अब इसके लिए मायावती ने बनाया मास्टर प्लान। प्लान से बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन, जानकर शिवपाल अखिलेश भी रह जाएंगे दंग। मायावती को उत्तर प्रदेश की राजनीति का दमदार चेहरा माना जाता है। उनका वजूद राजनीति में बहुत जरूरी है। दलित बड़ी संख्या में उनको पसंद करते हैं और उनके पास दलित वोट बैंक भी काफी तगड़ा है, इसलिए उनके फैसले बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसलिए जब से उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तब से बाकी पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है और अब मायावती ने ऐसा तगड़ा प्लान बनाया है जिससे सपा बीजेपी की टेंशन बढ़ जाएगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। पार्टी पहले ये चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान भी कर चुकी है। क्या है मायावती का मास्टर प्लान? अब देखिए, बसपा का जनाधार 2012 से लगातार घट ही रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में सपा के साथ गठबंधन करके 10 सीटें हासिल की थी। फिर 2022 विधानसभा चुनाव बसपा ने अकेले लड़ा, इनमें प्रदर्शन और निराशाजनक रहा। ऐसे में अब 2024 में बसपा ने कमर कस ली है और क्योंकि अब पुराने बड़े नेता पार्टी में रहे नहीं है, तो अब बसपा शुरुआत से शुरुआत कर रही है। इसलिए अब बसपा का मास्टर प्लान है युवा। जी हाँ, अब मायावती अपनी पार्टी में युवाओं को जोड़ेंगी। बता दें, पिछली बार बसपा ने युवाओं को खास जिम्मेदारी नहीं दी थी, जिसके बाद इसका परिणाम सही नहीं रहा। इसलिए इस बार बसपा ये गलती दोहराएगी नहीं और इस बार युवाओं को बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने के निर्देश दिए गए हैं। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि बसपा के पास युवा वोटरों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। दलित और अति पिछड़ों को जोड़ने का है ये प्लान। इसके अलावा मायावती दलित और अति पिछड़ों को जोड़ने का भी प्लान बना रही है, जहां 4 दशक पुराने नारे के साथ ये काम किया जाएगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। नारे के साथ पार्टी लोकसभा चुनाव में जा रही है और इसी नारे के सहारे नए जुड़ने वाले युवाओं को पार्टी गठन के मकसद बाबा साहेब और कांशी राम की सोच से रूबरू करवाया जाएगा। बड़े नेता युवाओं को करेंगे गाइड। नव भारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के दिग्गज युवाओं को गाइड करेंगे। जानकारी के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता युवाओं को पार्टी की विचारधारा समझाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि बसपा का सत्ता में आना क्यों जरूरी है, और ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि ऐसा मौका है कि कोई भी चूक पूरे समाज के लिए भारी पड़ सकती है। शिवपाल अखिलेश को लगेगा झटका। अब मायावती के इस प्लान से तो साफ हो गया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी और इससे शिवपाल अखिलेश यानी सपा को झटका लग सकता है, क्योंकि देखिए सपा लगातार इस ओर इशारा कर रही है कि वो विपक्ष को साथ लेकर चलेगी, मायावती को साथ लेकर चलेगी। लेकिन इनका ये प्लान अब बिगड़ गया है क्योंकि मायावती तो साथ देगी ही नहीं, इसलिए शिवपाल अखिलेश के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। तो ये था मायावती का प्लान। फिलहाल आपको बता दें, कुछ दिनों से मायावती का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा था क्योंकि कभी वो मोदी सरकार पर तंज कस रही थी तो कभी साथ, लेकिन बाद में ये कहा गया कि मायावती किसी के साथ नहीं है, इसलिए उनको जब जो सही लगता है वो उसी का साथ देती है, उसी मुद्दे का साथ देती है। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये जरूर कहा गया कि वो सबके साथ रहेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। शिवपाल यादव ने कहा था कि वो सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन मायावती ने सबको झटका दे दिया है। फिलहाल आपको मायावती का ये मास्टर प्लान कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।